नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू में आपका स्वागत है। मैं हूं क्राम। राम मंदिर ट्रस्ट एक बार फिर चर्चाओं में है। चर्चा का कारण है कि राम मंदिर ने एक ऐसी जमीन जिसकी कीमत महज 2 करोड़ रुपए थी, उसे 18 करोड़ रुपए में खरीदा है। बड़े आरोप लग रहे हैं। कल रात से सोशल मीडिया पर और तमाम बड़े न्यूज चैनल में इस बात का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट ने और उसके जो सचिव है उन्होंने घोटाला किया है, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के नेता, जिन्होंने इस चीज का खुलासा करने का दावा किया है, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर से जुड़े लोगों ने और उसके ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बड़ा घोटाला किया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंदू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। हम चलते हैं उस खबर की तरफ जो अयोध्या राम जन्मभूमि राम मंदिर ट्रस्ट और अभी देखे हाल फिलहाल 1500 करोड़ रुपए का चंदा जो आया था उसका दावा किया था चंपत राय ने, जो राम मंदिर ट्रस्ट भूमि के एक तरह से सचिव हैं। उनको लेकर काफी सारी चीजें सामने अक्सर आए दिन आती रहती हैं। अब एक नया मामला सामने आ रहा है और उस मामले को लेकर आए हैं समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता पवन पांडे ने। पवन पांडे का यह कहना है कि ऐसी कौन सी जमीन रातों रात महंगी हो गई कि आपको 10 मिनट के अंदर ही 16 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं। 16 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा भुगतान राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। तो पूरा मामला यह है कि 3 लोग हैं इसमें जिन्होंने जमीन खरीदी और उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट को बेची, तो इसमें एक अयोध्या के मेयर भी हैं। तो पूरी खबर अब जरा ध्यान से सुनिए कि खबर है क्या। तो आरोप ये लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं अखिलेश सरकार में पवन पांडे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये आरोप लगाया कि आरोप सीधा राम मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय उन पर आरोप लगाया कि जो जमीन 2 घंटे पहले 2 करोड़ की थी अचानक राम मंदिर ट्रस्ट उसे 18 करोड़ रुपए में कैसे खरीद ले रहा है, इसका मतलब ये कोई बड़ा घोटाला है और उन्होंने इसके लिए जमीन के कागजात हम लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं वो उन्होंने शो कराए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता ने भी ट्वीट किया उन फोटो के साथ, दिग्विजय सिंह ने भी किया और तमाम विपक्ष के नेता, बड़े से बड़े नेता, वही सारे जो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कागज बताए जा रहे हैं, जो रजिस्ट्री के कागज हैं उनको दिखा रहे हैं। अभी पूरा मामला है क्या, इन कागजों में जो लिखा हुआ है, जो रजिस्ट्री के कागज वायरल हो रहे हैं और जिनकी तरफ से किए आ रहे हैं, इसमें पूरा मामला समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा मार्च के महीने में। मैं आपको बता दूं राम जन्मभूमि जो है जिस पर पहले विवाद था, बाद में वो राम जन्मभूमि को सौंप दी सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का हवाला देते हुए कि आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं देश में, सबूत एक तरफ सब कुछ माना कि भाई जो तुम ठीक कह रहे हैं, दूसरा पक्ष जो कह रहा था कि तुम ठीक कह रहे हो सब कुछ तुम्हारी बात है, लेकिन हम आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते इसलिए उनको दे देते हैं। बीजेपी से अपनी एक बड़ी जीत बताती है, उसके दम पर यहां तक पहुंची है। 2 सीटों से लेकर आज 300+ का जो स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि का जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था उसका क्रेडिट उनको जाता है। अब इस जमीन के बराबर में एक जमीन और थी जिसके जो मालिक थे जिनका नाम था पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने ये जमीन 18 मार्च 2021 को इसी साल एक शख्स है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ में बेच दी थी। इन दोनों ने ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी, लेकिन उसके चंद मिनट बाद ही राम जन्मभूमि की जो जमीन थी वो 18 करोड़ रुपए में खरीद ली। मामला 3 महीने पुराना है, 2 घंटे के अंदर अंदर ये जमीन वहां से खरीदी गई, इन लोगों ने खरीदी और राम जन्मभूमि को 18 करोड़ रुपए में बेच दी, ये आरोप लगा रहे हैं पवन पांडे और इन रजिस्ट्रियों के साथ कि भाई ऐसा कौन सा जमीन रातों रात सर्कल रेट महंगा हो गया कि अचानक 16 करोड़ रुपए बढ़ गए, चंद मिनट के हिसाब से करोड़ों रुपए का जो बढ़ोतरी हुई है इन जमीन के रेट में वो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो क्या इसमें कुछ हेरा फेरी, जो 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा आया था उसमें से कुछ कटौती करने की कोशिश की। इसके बाद संजय सिंह सामने आते हैं, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी यही आरोप लगाते हैं कि 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए महंगी हो गई। और इस जमीन में जो मेन चीज वो है कि जो पहले जिन लोगों ने जमीन खरीदी उसमें भी गवाह वही है और जब राम मंदिर जन्मभूमि को बेची गई उसमें भी गवाह वही हैं। और गवाह कौन कौन है, गवाह बहुत नामी ग्रामी लोग हैं जो शहर के मेयर भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब रवि मोहन और सुल्तान अंसारी ने जमीन खरीदी इसमें जो 2 लोग गवाह बने वो एक तो थे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और दूसरे थे इस राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा। दोनों संघ से ताल्लुक रखते हैं और दोनों ही
जब पहले पार्टी ने जमीन खरीदी तो उसमें गवाह थे, उसके बाद जब पार्टी ने इस पार्टी ने राम मंदिर जन्मभूमि को ये जमीन बेची तो उसमें भी ये दोनों गवाह मौजूद थे। यानी कि इस डील में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, जैसा संजय सिंह और पवन पांडे का बड़ा आरोप है कि एक ही जमीन पहले उधर से खरीदी जाए, दो गवाह आते हैं, फिर वही जमीन दूसरों को बेची जाती है, गवाह फिर भी वही होते हैं। ये कैसे 2 करोड़ 2 घंटे के अंदर अंदर 15.5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी भी हो गई, तो ये पैसा गया कहाँ? पवन पांडे ने सीधा आरोप लगाया है कि जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब ट्रस्टी गवाह थे और इसका मतलब है कि ट्रस्ट भ्रष्टाचार में लिप्त है। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि राम जन्मभूमि का जो पैसा था उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसका घोटाला कर रहे हैं, अपनी जेबों में डाल रहे हैं। पवन पांडे ने सीधा आरोप लगाया और ऐसे समय में चुनाव सर पर हैं उत्तर प्रदेश के, तो बहुत सारी चीज़ें होना अभी बाकी हैं, बहुत कुछ खुलना बाकी है और बहुत कुछ सामने आना बाकी है। दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे को घेरने की तैयारी करेंगे, खासकर विपक्ष ऐसे में कोई मौका नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चुनाव में अगर उसे बने रहना है, वापसी करनी है सरकार में किसी भी, कुछ समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल हो, अगर उसे भाजपा का सामना करना है तो जो भाजपा से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको लेकर उन्हें घेरने की कोशिश जरूर करेगा। तो इस पूरे साल हमें देखने को ये मिलने वाला है 2022 तक, जब तक चुनाव नहीं होने वाले, कितने और घोटाले, कितने और आरोप, कितने और चीजें सामने आती हैं, कितनी चीजों पर योगी सरकार घिरती है, योगी सरकार इनका डटकर मुकाबला करती है। लेकिन यहां पर ये जो लोग दावा कर रहे हैं, जिस हिसाब से दावा कर रहे हैं, अगर ये सच निकला तो फिर मामला बहुत गंभीर है और फिर ये एक तरह से आस्था का खिलवाड़ है। करोड़ों लोग जिन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे वोट दिया कि वो राम मंदिर बनवाएंगे, और बार बार वो कहते हैं कि हमने बीजेपी को सिर्फ इसलिए चुना है कि वो 370 हटा सके, राम मंदिर बना सके, 3 तलाक हटवा सके, ये सब चीज़ें, हमें महंगाई पे वोट नहीं दिया। तो अगर ऐसे में ये आरोप साबित हुआ तो भाई उन बड़े भक्तों का, जो बिल्कुल एक तरह से कहा जाता है अंधभक्त हैं, उनका भी दिल टूट जाएगा। और एक चीज मैं और आपको बताते चलूं, इससे पहले भी एक क्लोन चेक के जरिए राम मंदिर के पैसे से जो चंदा इकट्ठा हुआ था बैंक से लखनऊ के अंदर 6 लाख रुपए निकाले गए हैं। 2-3 बार निकालने के बाद इस मामले का पूरा खुलासा हुआ था, उससे फिर सचिव ने जो चंपक राय, उन्होंने बैंक का शुक्रिया अदा भी किया था कि आपने इस चीज़ को होने से तीसरी बार बचा लिया। यानी कि राम मंदिर जब से फैसला आया सक में और जब से शुरुआत हुई है, बहुत सारी चीज़ें नहीं सामने आई हैं, कभी पिल्लर धंसने लगते हैं, कभी कुछ और चीज़ हो जाती हैं, तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं और अब एक नया विवाद सामने आ गया है। तो खैर, जाँच का विषय है, जांच की मांग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि ईडी की और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर जांच में कुछ सामने आता है, कोई और अपडेट आता है तो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, लेकिन फिलहाल पूरी खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा मचा दिया है। अब आप लोगों क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।